हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्रीट्स में आपका स्वागत है। ना समोसा ना कचौड़ी, आलू और आटा की बिल्कुल नई रेसिपी। सिर्फ 2 चम्मच तेल से यह रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट। तो इसे बनाने से पहले हमें 2 प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च को काट लेना है। प्याज को हमें यहाँ बारीक काटना है। अब गैस पर एक कढ़ाई रखें, इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह गर्म कर लेना है। फिर इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालें और जीरा को चटकने दें। इसमें हरी मिर्च को भी डाल देंगे और इसे हल्का भून लें। उसके बाद कटा हुआ प्याज को भी डालकर भून लेना है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक भूनना है। प्याज अच्छी तरह भून चुका है। इसमें अब 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालकर मसालों को थोड़ी देर भून लेना है। इसमें अब 2 उबले हुए आलू को डाल दें। आलू को अच्छी तरह मैश करके डालना है। गैस का फ्लेम हाई कर देना है और आलू को मसाला के साथ अच्छी तरह भून लेना है। इसमें अब स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच अजवाइन डालें। आलू को हमें 4 से 5 मिनट तक भून लेना है। इसमें अब 1 कप से थोड़ा सा कम हमें पानी डालना है और पानी और आलू को अच्छी तरह मिला लेना है। इस रेसिपी को बनाने में हमें आटा गूंथने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसमें 2 कप आटा डालें और इसे लो फ्लेम पर आलू के साथ मिला लेंगे। इसे हमें तब तक मिलाना है जब तक आटा एक डो का रूप ना ले ले। इस रेसिपी को आज मैं 2 तरीका से बनाऊंगी, एक इसे फ्राई करके और दूसरा इसे बिना फ्राई किए हुए। जैसे जैसे इसमें से पानी एब्जॉर्ब होगा और आटा आलू के साथ मिलेगा, यह एक डो का रूप ले लेगा। देखिए, आटा में एक अच्छी बाइंडिंग आ गई है और ये कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो जा रहा है। इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से ढेर सारा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दें। धनिया पत्ता को डो में अच्छी तरह मिला दें। यह डो जब हल्का गर्म ही रहे तब इसे आप अपने मन मुताबिक शेप दे सकते हैं। इसे आप कचौड़ी जैसा, स्क्वायर शेप या कटलेट किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसे शेप देने से पहले हाथों में तेल लगा लें जिससे ये डो चिपके ना। इसका एक मीडियम साइज का बॉल बनाकर हमें इसे स्क्वायर शेप में दे देना है। पहले चिपटा कर दें, फिर उंगली से इस तरह दबाते हुए स्क्वायर शेप दे दें। कुछ इस तरह से हमें इसका शेप तैयार कर लेना है। मैं यहाँ 3 स्क्वायर शेप और 3 सिलेंडर शेप में बना रही हूँ। अगर इसे लंबा बनाएंगे तो ये बिल्कुल कटलेट जैसा दिखेगा और इस तरह शेप देना भी आसान है। बस रोल कर दें, बहुत ही आसानी से यह शेप तैयार हो जाता है। इसी तरह हमें सारे शेप्स को बना लेना है। इधर तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसे हमें मीडियम गर्म करना है। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म किया, तैयार शेप्स को तेल में डालेंगे तो उसमें तुरंत कलर आ जाएगा पर अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जिससे ये अच्छी तरह अंदर तक पक जाए। एक बार में कढ़ाई में जितने बने हुए रोल आ सके उतना डालकर इसे फ्राई कर ले। जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाए तो इसे पलट कर दूसरी तरफ भी फ्राई कर ले। इसे हमें उलटते पलटते
चारों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक फ्राई करना है। ये गेहूं के आटे का बना हुआ है, इसलिए इसमें अच्छी तरह गोल्डन कलर होने दें, तभी इसे निकालेंगे। देखिए ये चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गया है और इसमें एक अच्छा कलर भी आ गया है। फ्राई करने वक्त इसमें हल्के क्रैक्स भी आ गए हैं, इससे पता चलता है कि ये अच्छी तरह अंदर तक पक गया है। सारे नाश्ता को हम एक एक कर निकालते जाएंगे। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट यह नाश्ता बनकर तैयार हुआ था। इसे आप किसी भी चटनी के साथ सर्व करें। अब दूसरा तरीका, जिसे मैं इसे सिर्फ एक चम्मच घी से बनाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ गैस पर अपम पैन रख दिया है। इसे घी से अच्छी तरह ग्रीस कर दें। इसमें अब मीडियम साइज के बॉल्स बनाकर पैन में हमें डाल देना है। यहाँ मैंने 7 बॉल बनाकर पैन में डाल दिया है। गैस का फ्लेम लो कर दें और ढककर इसे 3 से 4 मिनट तक पकने दें। इसे पकाते हुए मुझे 4 मिनट हो गया है। ढक्कन हटा देंगे और इसके ऊपर फिर से घी लगाकर ग्रीस कर दें। घी से सेकने से इस नाश्ते का स्वाद और बढ़ जाता है। बहुत ही कम तेल में और बहुत आसानी से यह नाश्ता बनकर तैयार हो गया। दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इस अपम पैन में ट्राई कीजिए। सिर्फ 1 चम्मच घी में यह नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। इसे ढककर फिर से दूसरी तरफ हमें 3 से 4 मिनट तक सेक लेना है। 4 मिनट बाद ढक्कन हटाकर इसे घुमाते हुए चारों तरफ से अच्छी तरह सेक ले, जिससे इसमें चारों तरफ कलर आ जाए। नाश्ता 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह बनकर तैयार हो गया है। जब चारों तरफ से यह क्रिस्पी हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बिना आटा गूंथे, बिना बेले और बिना फ्राई किए यह रेसिपी बनकर तैयार हो गई और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई थी। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।